अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कतर में रहते हो और कतर के अहम तरीन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है, 106 टू फेस प्रिकॉशन नॉट वेयरिंग मास्क। दोस्तों, 106 लोगों को फिर से गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने मास्क को नहीं पहना था और पब्लिक के बीचों में वो आकर बिना मास्क का घूम रहे थे, जिसके बाद वहाँ उन पर मतलब कंप्लेंट फाइल किया गया और सभी पे फाइन लगाई गई है। दोस्तों, लॉ नंबर 17/1990 के तहत जो भी वहाँ पे कानून बनाया गया, जो भी वहाँ इन्फेक्शन डिजीज़ को फैलाता है, उन पर पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी नहीं देने पर उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। अगली खबर साथियों, अरे इंडिया टॉप कोर्ट चार गवर्नमेंट ओवर इम्पैसिव विद प्रोटेस्टिंग फार्मर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यदि आप इंडिया के रहने वाले होंगे तो इंडिया में दोस्तों वहाँ पे फार्मर किसान के द्वारा वहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि वहाँ पे दोस्तों एक काला कानून लाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके देखते हुए दोस्तों वहाँ पे हजारों किसान वहाँ पे दिल्ली के बॉर्डर पर वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। प्रोटेस्ट के दौरान दोस्तों वहाँ पे बहुत सारे किसान वहाँ पे उनके किसानों की मौत हो गई है, जिसके बाद दोस्तों वहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट है, उन लोगों ने मतलब टिप्पणी दी है कि जो भी ये केस है, ये कानून जो है गवर्नमेंट द्वारा लाया गया, उसे हटाया जाए। और उसे बताया गया है कि ये कानून के चलते बहुत से लोग मारे जा रहे हैं, इस पर सेंट्रल कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी इस पर कोई फैसला आ जाएगा, बहुत ही जल्दी ऐसा बताया जा रहा है। और दोस्तों, बताया जा रहा है किसान एक आंदोलन करने वाले थे जिस 26 जनवरी दिन, वो आंदोलन अब नहीं होगा क्योंकि उस दिन है रिपब्लिक डे, इसलिए वो अब आंदोलन नहीं किया जाएगा। अगली खबर साथियों बहुत ही अच्छी दोस्तों आ रही, जैसा कि आपको पता है कि कतर सऊदी अरेबिया और बहरीन के बीच में दोस्तों और यूएई के बीच में अच्छे रिश्ते नहीं थे। 3 सालों से करीब करीब सभी फ्लाइटें वगैरह बंद थी, जिसके बाद सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने इसके लिए फ्लाइट ओपन की। उसके बाद दोस्तों कल के दिन, 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया गया, यूएई ने भी सारे फ्लाइट को ओपन कर दिया। पर दोस्तों, आज एक अच्छी खबर ये भी आ रही कि बहरीन जो है उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दिया है 11 जनवरी को कि जो सिविल एविएशन अफेयर द्वारा दोस्तों कि अब बहरीन और कतर के बीच जो फ्लाइटें जो बंद थी वो भी आप चालू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा बताया गया है। एलेक्स मची ऑल्सो ट्वीटेड संडे को ट्वीट करके बताया गया दोस्तों कि एयरमैन नोटम जो है उन्होंने जो भी बैन लगा रखा था वो बैन को हटा दिया गया है और बहुत ही जल्दी वो सारे फ्लाइटें जो हैं वो चालू हो जाएंगी। अगली खबर साथियों आ रही, आमिर डिप्टी आमिर एंड प्राइम मिनिस्टर सिन कॉन्चरेशन सुल्तान ऑफ ओमान। दोस्तों, कतर के जो आमिर साहब है, आमिर शेख तमीम बिन हमद अल थानी, उन्होंने बधाइयाँ भेजी किसको, सुल्तान जो ओमान के जो सुल्तान है हतमान बिन तारिक ऑफ सुल्तनत ओमान, उनको बधाइयाँ भेजी क्योंकि उनका दोस्तों एनिवर्सरी था, जिसके बाद उन्होंने बधाइयाँ भेजी और उन्होंने मुबारकबाद भी दिया है। अगली खबर साथियों, और एक्शन अगेंस्ट वॉलेशन ड्यूरिंग इंस्पेक्शन टूर। दोस्तों, वहाँ पे लगातार वहाँ पे खाने पीने को चीज़ों को लेकर वहाँ पे कैंपेन चलाया जाता है। तो दोस्तों, वहाँ पे अलखौर और अलथकीरा म्यूनसिपैलिटी के द्वारा दोस्तों हेल्थ कंट्रोल सेक्शन वहाँ पे इंस्पेक्शन चलाया, जिनमें से 552 दुकानों को मतलब खाने पीने जिसमें सामान रखी जाती है वो सब दुकानों को चेक किया, जिनमें से 14 दुकानों को वॉयलेशन करते हुए पाया गया, मतलब ख़राब खाना रखते हुए। दोस्तों, जो लॉ नंबर 8/1990 के तहत ये बनाया गया है कि कोई भी खाना, खराब खाना किसी को नहीं बेचा जा सकता क्योंकि उससे नुकसान होती है। फिलहाल दोस्तों, उन लोगों पे केस कंप्लेंट फाइल कर ली गई है और सभी को वॉयलेशन के लिए सभी को फाइन देना पड़ सकता है। अगली खबर साथियों आ रही है, QRCS कंक्लूड 2 जनरल सर्जरी कैंपेन सोमालिया। दोस्तों, कतर क्रेसरेट क्रेसन सोसाइटी द्वारा वहाँ सोमालिया में वहाँ पे कैंपेन लगाया गया दोस्तों, जिनमें से लोगों को वहाँ ऑपरेशन किया जाएगा, डॉक्टर इलाज किया जाएगा। तो दोस्तों, वहाँ पे आज के दिन वहाँ जो 2 वहाँ पे जनरल सर्जरी की गई। दोस्तों, बताना चाहूँगा आपको, ओवर 1,867 पेशेंट को दोस्तों एग्जामिन किया जाएगा और इसमें से 201 जो है उसमें मेजर केस है और मॉडरेट ऑपरेशन है। और दोस्तों, इसमें बताना चाहूँगा आपको, ओवरऑल 51% प्रोसीड्यूर और मेजर, 43% मॉडरेट, मतलब 51% इसमें थोड़ा मेजर केस है और 43% बीच बीच में, और 6% दोस्तों इमरजेंसी है। तो सभी को देखा जा रहा है, जिनमें से 131 जिसमें बच्चे हैं और कुछ महिला, 70 महिलाएं भी हैं, बूढ़े भी हैं, उन सभी को दोस्तों एग्जामिन किया जा रहा है, सभी को इलाज किया जा रहा है। तो ये कुछ अपडेट थी साथियों जो कतर से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथियों।